नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। फोर्ड अपनी सब कॉम्पैक्ट SUV इको स्पोर्ट का नया मॉडल लाने की तैयारी कर रहा है। न्यू जनरेशन फोर्ड इको स्पोर्ट की तस्वीरें लीक हो गई है, जिससे पहली बार इसका लुक सामने आया है। नई इको स्पोर्ट का लुक मौजूदा मॉडल से बिल्कुल अलग है, साथ ही इसमें ज़्यादा मॉडर्न फीचर्स और अपडेटेड इंजन मिलने वाला है। न्यू जनरेशन इको स्पोर्ट के लुक में बड़े बदलाव हुए हैं। अभी इको स्पोर्ट की स्टाइलिंग क्रॉसओवर जैसी है, जबकि नया मॉडल ज़्यादा SUV जैसा दिख रहा है। इसके फ्रंट में नई ग्रिल, नए LED हेडलैम्प और स्लिक LED DRL दिए गए हैं। ग्रिल के ऊपर एक पतली क्रोम पट्टी है जो LED DRL से कनेक्टेड है। नए स्टाइल का बोनट और अंडरबॉडी क्लेडिंग के साथ दिया गया मस्कुलर फ्रंट बम्पर नई इको स्पोर्ट को बोल्ड लुक देते हैं। SUV में प्रोजेक्टर फॉग लैंप दिए गए हैं, जिनके चारों ओर क्रोम एलिमेंट्स हैं। साइड लुक की बात करें तो नई इको स्पोर्ट में व्हील आर्च और साइड बॉडी पर भारी क्लेडिंग है। इसमें नए अलॉय व्हील्स, ब्लैक बी पिलर के साथ स्लिक ग्लास हाउस और इंटीग्रेटेड टर्न सिग्नल लाइट के साथ नए शार्प आउट साइड रिवर व्यू मिरर दिए गए हैं। नई फोर्ड इको स्पोर्ट का रियर लुक भी पूरी तरह बदल दिया गया है। SUV के पीछे की तरफ नई LED टेल लैंप्स है, जो इको स्पोर्ट लिखे ब्लैक इंसर्ट से जुड़े हुए हैं। ब्लैक इंसर्ट के ऊपर फोर्ड का लोगो दिया गया है। इसके अलावा लीक तस्वीर में SUV पर रूफ माउंटेड स्पॉइलर, शार्क फिट एंटीना, सिल्वर फॉक्स रूफ रेल्स और फॉक्स किड प्लेट के साथ प्लास्टिक क्लेडिंग रियर बम्पर दिख रहे हैं। न्यू जनरेशन इको स्पोर्ट के इंटीरियर की तस्वीर अभी सामने नहीं आई है, लेकिन उम्मीद है कि नई SUV में ज़्यादा केबिन स्पेस और नए फीचर्स मिलेंगे। भारत में आने वाली नई इको स्पोर्ट में 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिल सकता है। इस इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के ऑप्शन होंगे। SUV में डीजल इंजन होगा या नहीं, इस बारे में अभी कुछ साफ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये SUV पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन में आ सकती है। न्यू जनरेशन फोर्ड इको स्पोर्ट का ग्लोबल डेब्यू इस साल के अंत या 2021 की शुरुआत में हो सकता है। भारतीय बाजार के लिए फोर्ड और महिंद्रा भी एक नए जॉइंट वेंचर कंपनी पर काम कर रहे हैं, जो फोर्ड इंडिया के ऑपरेशन संभालेगी। इसका खुलासा इस साल के अंत तक होगा। ऐसे में माना जा रहा है कि भारत में नई इको स्पोर्ट 2021 से पहले लॉन्च नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।